मुहाजिर गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने सिवरेज के मसाइल दूर करने के लिए 40 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। खदी रकम से डेरा गाजी खान में सिवरेज का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल 10 करोड़ हंगामी बुनियादों पर जारी किए जाएंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने सिफारिश की तायद कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के फाल की जानिब एक और कदम। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा ने जनूबी पंजाब ऑफिस में शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं शिकायत सेल के प्याम से आवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों पर शिकायत का इजाला किया जाएगा। स्मोग और आलमी वबा के बढ़ते वार, पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे जल्द बंद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। विफाक में नवंबर के दूसरे हफ्ते से छुट्टियां देने की तजवीज जेर गौर। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नवंबर के दूसरे हफ्ते से बंद करने पर मुशावरत की जाने लगी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कमिश्नर मुल्तान के अहकाम हवा में उड़ा दिए। किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम का जॉगिंग ट्रैक ताहाल नामुकम्मल। शहरी नाला कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की हिदायत पर 15 अक्टूबर को जॉगिंग ट्रैक मुकम्मल किया जाना था। उच शरीफ में अंदरून शहर की अहम तरीन शाहरा ईदगाह रोड टूट फूट का शिकार। सिवरेज सिस्टम भी अरसा दराज से खराब, जगह जगह गढ़े पड़ गए। उधर मियांवाली मोहल्ला सैदावाला के मेन चौक में सिवरेज का पानी जमा, मकीन और राहगीर परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।